इसका इलाज है हमारे पास, चलो मेरे साथ, बस दो गोली अंदर और फिर हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स दुनिया की सबसे बेस्ट सीरीज में गिनी जाती है और इस सीरीज का रिकॉर्ड तोड़ना लगभग नामुमकिन सा है, लेकिन कुछ ऐसे भी सीरीज हैं जिसे आप एक बार एटलीस्ट जरूर देखना चाहेंगे और ये सभी सीरीज एक्चुअल में आपको गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी मिलती जुलती लग सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन वेब सीरीज के बारे में। नंबर वन पर है कार्निवल राव सीजन वन। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों इस वेब सीरीज की स्टोरी आपको बहुत ज्यादा यूनिक लगने वाली है। वेब सीरीज की स्टोरी आपको एक ऐसे वर्ल्ड में ले जाती है जहां पर फेरिस के ऊपर एक्चुअल में हुमायंस राज कर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों के मिस्टीरियस लाइफ के पीछे भी बहुत सारी मिस्ट्री छिपी हुई रहती है और इन्हीं सारी मिस्टीरियस चीजों को रिवील करने की कोशिश की जाएगी इस कम्प्लीट सीरीज में। वेब सीरीज की स्टोरी उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि फैंटेसी और इपिक सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज की सीजन वन रिलीज की गई है 2019 में और इसे आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 7.9 की। नंबर टू पर है द बीचर। वेब सीरीज की स्टोरी उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि फैंटेसी और एक्शन वेब सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वेब सीरीज की सीजन वन पहली बार आपके सामने प्रेजेंट की गई थी 2019 में। इसकी सीजन टू फिलहाल अभी तक रिलीज नहीं की गई है, लेकिन इसकी सीजन टू रिलीज कर दी जाएगी 2K21 में। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक बीचर से जो कि पैसे लेकर डायमंड हंट करता है, लेकिन उसकी एक डेस्टिनी है और वह अपने इस डेस्टिनी तक कैसे पहुंचता है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कंप्लीट सीरीज में। वेब सीरीज में एक्चुअली बीचर के पूरे एडवेंचर जर्नी को दिखाने की कोशिश की जाएगी जो कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। वेब सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 8.2 की। नंबर तीन पर है शेरलॉक। दोस्तों इस नाम को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। वेब सीरीज की स्टोरी बेस्ड है मिस्ट्री एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। ये सीरीज उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि मिस्टीरियस फैन देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वेब सीरीज की सीजन वन आपके सामने प्रेजेंट की गई थी 2010 में। इसके टोटल 4 सीजन रिलीज किए गए थे जो कि बहुत ज्यादा हिट रहे थे, इवन दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद भी आए थे। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो शेरलॉक होम हर एक सीजन में एक मिस्टीरियस केस को सॉल्व करते हैं और उनके केस को सॉल्व करने का अंदाज कुछ अलग ही होता है और इसी अंदाज पे दर्शक पूरी तरह से फिदा रहते हैं। वेब सीरीज रिलीज की गई थी 2010 में और इसे आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 9.1 की। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई बेमूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।